सो हेलो गाइस, एक और न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जैसे सोचा था गाइस, सेम गाइस चीज यहां पे हो चुकी है। बीजीएमआई के अंदर यहां पे जो M15 रॉयल पास यहां पे नहीं आया है, एंड साथ ही में गाइस हमारे पे आरपी यहां पे लॉक हो चुका है। साथ में लिखा था द रिक्वेस्टेड आइटम इज करंटली नॉट अवेलेबल। तो क्या हम यहां पे M15 रॉयल पास नहीं ले सकते भाई? क्या सीन है, क्यों यहां पे M15 रॉयल पास यहां पे लॉक कर दिया गया, सब कुछ गाइस बताने वाले। एंड साथ में इसका कोई ट्रिक है क्या, क्योंकि पिछली बार यहां पे रॉयल पास हम परचेस नहीं कर पा रहे थे, बट ट्रिक की मदद से रॉयल पास को परचेस कर रहे थे। तो इस बार भी हम क्या रॉयल पास को परचेस कर सकते कोई ट्रिक की मदद से, और नहीं भी परचेस कर सकते तो क्यों यहां पे लिखा है अनअवेलेबल? तो सबसे पहले देखो गाइस, हमारा जो सीजन था, सीजन भी यहां पे सेम सीजन है, क्योंकि इस बार यहां पे साइकिल 3 सीजन 8 आना था। तो यहां पे टीआर को रिसीट करके साइकिल 3 सीजन 7 दोबारा से एक सीजन को दोबारा से डाल दिया। साथ में वैसे रॉयल पास का लीक वगैरह सब कुछ आ गया था, मैं आप लोग को दिखाया था भी, बट यहाँ पे देखो वो जो लीक्स पूरा यहाँ पे पबजी के लिए अवेलेबल कर दिया। और यहाँ पे देख सकते हो आरपी यहाँ पे लॉक इस कारण से, क्योंकि 2.2 का अपडेट जो बीजीएमआई के अंदर आया नहीं। एंड अगर 2.2 अपडेट नहीं आएगा तो देखो रॉयल पास आएगा, तो रॉयल पास के अंदर न्यू मिशन तो डालने वाला, 2.2 के अंदर यहाँ पे गियर फोन मोड वगैरह का उसके बेस के ऊपर तो मिशन बना के मिशन यहाँ पे डालने वाला था बीजीएमआई के अंदर। तो बीजीएमआई के अंदर 2.2 का तो अपडेट आया नहीं, एंड साथ में यहाँ पर रॉयल पास भी इस कारण से नहीं आया क्योंकि मिशन भी नहीं डाल पा रहा, तो इसलिए यहाँ पर रॉयल पास का लॉक कर दिया गया। आई बता दे कितना दिन तक लॉक रहने वाले। एंड मैं बता दूँ यहाँ पे ऋषभ ने जो आपको दिखाया था, ऋषभ ने यहाँ पे हिंट दिया था कि दिसंबर तक यहाँ पे गेम आने वाले। तो आई होप कि दिसंबर तक न्यू गेम जैसा आएगा, न्यू गेम को लॉन्च करेगा, उसका बेस में आपको सब कुछ चेंज होने वाला, रॉयल पास का सब कुछ चेंज होने वाले, गेम के अंदर जितना भी यहाँ पे सेटिंग वगैरह होगा सब कुछ पूरे डिफरेंट एक गेम होने वाले। तो तब तक शायद यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। एंड शायद मैं आप लोगों को उस दिन पहले बताया था कि जैसे कि हमारे यहाँ पे जो प्रीमियम किट क्लासिक किट के पूरे पे डेट का पे चेंज कर दिया गया, 90 दिन समथिंग यहाँ पे कर दिया गया। तो शायद 90 दिन एंड होने के बाद, यानी कि दिवाली के बाद में आप लोगों को, दिवाली की एक दो महीना बाद में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जैसे 67 डेज के बाद में शायद कुछ न्यू गेम में आपको देखने को मिलेगा या न्यू गेम आप लोगों को प्ले स्टोर के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इजीली से परचेस को कर सकते हो, ठीक है। बट कोई भी ट्रिक्स वगैरह मत लगाओ, क्योंकि जैसे कि पबजी के अंदर, सॉरी बीजीएमआई के अंदर भी कुछ दिन पहले जो कि पिछले सीजन के अंदर रॉयल पास परचेस नहीं कर पाए, तो क्या कर रहा था लोग यहाँ पे पबजी का फाइल को कॉपी करके एक्सट्रैक्ट करके जो कॉपी पेस्ट मार के इजीली से रॉयल पास को परचेस कर रहे थे। तो इस बार का कोई भी चांस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गेम का लॉक बीजीएमआई वाले ने खुद कर दिया, कोई ग्लिच वगैरह नहीं है, गेम को एकदम परमानेंट यहाँ पे लॉक कर दिया रॉयल पास को। तो कोई भी ट्राई मत करना, अगर आप ट्राई करते तो अपने अकाउंट को भाई, नहीं तो जैसे न्यू गेम आएगा तो अपना गेम अकाउंट यहाँ पे जो डेटा को ट्रांसफर कर पाओगे, और ऑलरेडी आपका अकाउंट बैन होने वाला है, क्योंकि एंट्री जो बैन होते हैं वो ऑलरेडी चलता रहता है। तो इसलिए आपका अकाउंट को बैन दे देगा। तो कोई भी ऐसे ट्रिक वगैरह मत यूज करो, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन दे रहा था। एंड बाकी ये थी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, शेयर पर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं।